तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया छे भाई ताजमहल कन। आप भाई जगह छे जी जगह सु कृष्ण जी और बलराम जी गया चरावन जाए छा। वाकई में कृष्ण भगवान अटे छे राज पास ही घूम रहे छे। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई लोगों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, आई होप आप सभी एकदम मस्त होंगे। हम भी भाई एकदम मस्त हैं। तो भाई अभी हम है मथुरा के अंदर और अभी भाई नादो के ऑल सेट हो गए हैं सभी के सभी। ये देखो नेहा मम्मी, इधर इधर जानी, इधर हमारा विक्की। तो हम सब भाई नादो के रेडी वेडी हो गए हैं और हमारे पहुंची भी देखो बस रेडी हो ही गए। तो अभी भाई हम निकल रहे हैं भाई यहाँ से होटल से चेकआउट कर रहे हैं। तो हम भाई पहले भाई थोड़ा बहुत मथुरा घूमेंगे और उसके बाद जाएंगे भाई आगरा। आगरा का प्लान है उसके बाद, तो पहले मथुरा घूमेंगे थोड़ा बहुत। तो चलो चलते हैं भाई, रेडी? यस, ओके ओके। तो हम जा रहे हैं अभी भाई, गाड़ी के अंदर बैठ गए, सभी सामान रख दिया है सारा। तो दोस्तों फिलहाल मैं रुके था ये जगह, देखो भाई मस्त रोड है और बड़ी नदी है, ये मुरा नदी नीचे शानदार व्यू जो भाई 801 एक ही नंबर भाई जगह छे जी जगह सु कृष्ण जी और बलराम जी गया चरावन जाए जा और गुजरा माकन नदी चीक तो बाकी मटकान फोड़ जा बाग बागर भाई जगह छे यार। बद्रीनाथ में जाते हैं वहाँ कृष्ण का नाम बोलते हैं नारायण नारायण। वहाँ भगवान ने क्या खाया, चना। वहाँ आज भी वहाँ चना की दाल का भोग लगाते हैं। गोकुल में आते हैं यहाँ भगवान ने खाया माखन, मांग के खाया, लूट के खाया, चोरी करके खाया। यहाँ लगाते हैं माखन मिश्री का वो, यहाँ कृष्ण को बोलते हैं माखन चोर। बोलो माखन चोर भगवान की जय। ये कुंज गली है गोकुल की, कुंज गली। तो दोस्तों फिलहाल में गोकुल गांव में घूम रहे जाते कृष्ण भगवान को मजा। जो भगवान कृष्ण ने 11 साल तक यहाँ पे अपना जीवन बिताया, भगवान जब छोटे थे तो पूरी गोकुल में ही अपना जो जीवन बिता करके रास लीला भी इन्होंने की है और गायें चराई है वो भी गोकुल में थी। और यमुना का पानी जो जहरीला था उस समय जब कालिया नाग था तो भगवान ने कालिया नाग को मारने के बाद में यमुना का पानी शुद्ध और स्वच्छ हुआ। जो पहले क्या था, जब कालिया नाग था ना तो गायें पानी पीती थी तो गायें मर जाती थी गायें। यमुना नदी में यमुना नदी का पानी पीने से ये पानी पूरा जहरीला था। नंद के जमाने में करोड़ों गैया रहती गोकुल में, आज भी यहाँ गाँव में लाखों गाय। तो दोस्तों ये है नंद महल, अब हम आ गए हैं भाई नंद महल में। हाँ तो भाई बताओ कहाँ कहाँ लगे था ना। वाकई में कृष्ण भगवान अटे थे आज पास ही घूम रहे थे तेरी सोगन बिल्कुल आत्मा शांति मिली, मतलब आज श्री खुशी तो आज ही मिली जब उन्होंने घूम पाएगी। यही चिबे गड़े आज हम कृष्ण भगवान घूम चो गए चराव चो माकर खाए चो मटकी फोड़े चो। और कहीं जेट है और चौक नंद उत्सव मनाओ जी, नंद उत्सव बलराम जी को जन्म स्थान। तो दोस्तों अभी आप चाह रहे थे भाई श्री कृष्ण जन्म स्थली, जिड़े श्री कृष्ण भगवान को जन्म ही हो जो भी जगह चाह रहे थे आप। तो दोस्तों का को देखो काई मतो जी बोलने वाले काका जी ने आज लाड़ पे गाला पे राधे 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 जपा करो और गीत गोविंद के गाया करो राधे राधे जपा करो कृष्ण नाम का रस लिया करो। तो दोस्तों अंदर कैमरा अलाउ कुंजो फोन ओन अलाउ कुंजा जिसमें मैं अंदर को व्लॉग कर मना पाया, लेकिन मंदिर बहुत ही शानदार जड़े को। और अब जावला में सीधा आगरा, आगरा के लिए निकला ला 12:30 बज गई दोपहर का, लेट तो भी कोनी है लेकिन होएगा। तो दोस्तों अभी भाई हम हाईवे पे चढ़ गए हैं और यहाँ से आगरा लगभग 60 किलोमीटर है। तो भाई अब चलेंगे अपन सीधा और वहीं पे जाके मिलेंगे। हाँ तो दोस्तों गाड़ी ने तो मैं पार कर दिया और भाई अब पैदल पैदल चल रहा 800 मीटर जे 1 किलोमीटर मतलब ताजमहल। तो पैदल पैदल जाओ जा भाई, पहली बार आया जा मैं तो ताजमहल में। आता दिन तो फोटो हम देखे जा लेकिन आज हकीकत में देखा जा कागो तो फिर भी दूसरी बार आगो बने, मतलब अरे ताजमहल का कन्नार चल गए लेकिन ताजमहल में तो फिर भी कौन गयो कदी। क्यों कौन गया अभी बता दे, क्यों कौन गयो जिदन शुक्रवार चोर शुक्रवार की छुट्टी रहे ताजमहल बंद रहे शुक्रवार ने। हाँ ले बताओ कागा किस्मत खराब जी
शुक्रवार के दिन आयो और शुक्रवार ने ताजमहल बंद रहे कोई बात को ना आज देख ले ला। तो फिलहाल 3 बजेगा शाम का और 5 बजे तक ही ओपन रहे जे ताजमहल, 5 बजे बाद में बंद हो जाए। सच्चाई बताऊंगा ही बनना आयो को ना आज और काल काल तो नहीं जो आज बनना है काल भी बनना है नहीं काल तो नहीं जो गलत बात मैं झूठ बोली को मर्जी नहीं। और दोस्तों सबड़े जूता पहन रहे थे लेकिन मैं एक यानो जूझे चप्पल पहन रहे जो भी घूमगी मतान बताएगा ना प्रेम मंदिर में तुम्हारी चप्पल ठालेगा जा चप्पल भी नई चीज ये भी पुरानी चीज नई चीज जो ठालेगा मैं नई देख रही ठालेगा। तो दोस्तों फिलहाल मैं भाई अड़े टिकट विकट ले रहा जा और फिर चल रहा मायने ताजमहल के अंदर देखा से देखा क्या जे। तो दोस्तों फाइनली मैं ताजमहल के अंदर आ गया और देखो गेट काफी बड़ो गेट छे यार और भीड़ भीड़ तो खूब छे दबार। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया भाई ताजमहल का और देखो भाई दोस्तों मस्त ला रही यार एक ही नंबर वाह बाला मम्मी क्या को लगे ताजमहल एक ही नंबर ला रही जाएगा कत्तो बड़ो से यार देख बड़े आदमी दे भी कत्ता था दिख रहे थे खूब बड़ो जी दोस्तों खूब बड़ो चाला जा चलो भी करना ही बैठे हो कोने गजब ही जाए लाग रहे तो गजब ही जाए मायने चाल देखा दो ही चीजें पसंद आई जमन काल की एक तो प्रेम मंदिर एक ताजमहल अब वे एक ही नंबर बताओ दोस्तों पाजन कौन सी साइड जा ताजमहल की सेम सुई जबे तो चारी मेर से है चारी मेर सेम जे मतलब अच्छा यमुना नदी जे भाई यमुना नदी और जस्ट अड़े हो आप चाहिए ताजमहल। दोस्तों इस ताजमहल का निर्माण 1635 में हुआ था और इसको बनाने में व्हाइट बिल्डिंग को बनाने में 17 साल लगे थे और ये चारों तरफ की जो रेड बिल्डिंगें बनी है इनको बनाने में 5 साल लगे थे कुल मिला के 17 और 5 22 तो पूरा ताजमहल का जो निर्माण हुआ था वो उसमें 22 साल लगे थे। अब 22 साल का जो मेहनत आपको नजर आ रहा होगा कि 22 साल बहुत होते हैं जिंदगी के और 22 साल में कितने कारीगर लोगों ने काम किया है इसकी तो कोई गिनती नहीं है और कितने लोगों ने दिन रात मेहनत की है। आज हमारा एक छोटा उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए इसलिए कि दूसरा ताजमहल विश्व में कहीं नहीं बने इसलिए उन कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे और ये एक कलाकारों के हित में अच्छा नहीं है कि किसी कलाकार ने इतना सोम में इतना सुंदर ताजमहल बनाया और उसके हाथ काट दिए गए हैं। ये तो हिस्ट्री है इसमें अगेंस्ट नहीं जा सकते वो उनकी सोच थी शहंशाहों की कि उन्होंने क्या सोच के ऐसा किया बाकी ताजमहल का निर्माण जो भी किया बहुत सुंदर किया। एक बात बताओ उन्हीं कारीगरों ने अगर 2-3 ताजमहल और बना देते हाँ तो इसकी वैल्यू क्या रहती कौन आता कोई नहीं पूछता ये उनकी सोच अजूबा नहीं रहता इसीलिए उनकी सोच थी ना ये इसीलिए मैंने कहा कि उनकी सोच थी और ठीक है जो भी होता है अच्छा होता है जो भी होता है अच्छा होता है और इतना सुंदर ताजमहल हमें सिर्फ इंडिया में आगरा में देखने को मिलेगा। तो मैं घूम फिर उल्टा ताजमहल का सामान आगा चारू मेरा ऑटो कटे एक और उल्टा सामली साइड आगा अब देखा एक दो फोटो वोटो खे चला। तो दोस्तों यार फोटो वोटो भी खेल लिया एक दो रील भी बना लिया और एक चीज बताऊं अब आर में घूम गा जा काको कांटी कड़ी चल गो जो साइड में पापा और मम्मी अलग चल गार में मतलब फोटो खींच रहे जो कांटी कड़ी घूम गार फिर देखो भीड़ काफी लंबी जाए जिसू हेयर बम काफी टाइम लागो और दूसरी चीज मतलब बड़े नेटवर्क और कोने रहे जिसू मैं फोन करूँ तो फोन भी खुला गए गोरी गोर जी उन्हें फिर खिया जिया ला दे और नियार जानी भी कांटी कौन सी साइड मुझे पत्तो ही बा दुनिया को भाई दोनों अलग ही जे हाँ वो पवन जी भी बाकी साथ ही जे पत्तो ही में तीन उकड़ी हाँ बाकी साथ ही जे बे मतलब अड़े आए जा मैं भी मेन गेट माले जना सु अलग होगा जमा सु और आल तरण भी कोई मिले कड़े जे खैर कोई बात को नहीं और अभी देखो टाइम का है 5 बजे तो फिर वो मतलब बंदो बढ़ जब 5 बजे दोस्तों तो बंदो बढ़ जाए ताजमहल देखो। तो दोस्तों ए फाइनली नियार पवन जी ए अब आए जमा के अति देर तो पत्तो कड़े डोले और देखो अब सनसेट भी हो रही है श्याम होगी देखो कड़े रो तो डोलो जो अति देर होगी देर पावलो गो मैं कांडी कौन सी दुनिया में डोल रहे जा कोई दिक्कत को तो फिर भी अब घूम लिया खूब और अब चल रहा दोस्तों आप सीधा घर घर चल रहा तो घर पूछता रात तो जा ली 2-3 बज जा ली। तो दोस्तों फिलहाल आप चल रहे आप घर काफी देर होगी अड़े खूब घूम लिया देख लिया ताजमहल इच्छा पूरी होगी काका जी के सानिध्य से और आप लोगों के सहयोग से ताजमहल का आनंद आ गया क्योंकि मैं भी आपकी तरह पहली बार ही आया हूँ और ताजमहल तो ताजमहल ही है और आप भी ताजमहल जैसे हो गए यहाँ आकर फाइनली ताजमहल चेकआउट कर रहा था अरे तो वह होटल का मायने तो आप ताजमहल मतलब बाहर निकलने को चेकआउट बोलते हैं तो ताजमहल जो चेकआउट हो रही है आ जाओ
भाई साहब आ लल्डे ने बारन कार्डर तो ले जो मैं ताजमहल के बने गाने से मारो जी भी कोई लल्डी तो बुनन भागे और कोई सी बकरी कड़ीन भागे और ओ लल्डो एक वो एक बकरो और वो कहीं से वो पाडो पाडा को भाई भैंस को भाई भैंस को भाई भैंसो भैंस को भाई भैंस को भाई भैंसो बोलियो बोलियो पानी पीवा की टूटे अलग ही स्टाइल है मुझे देखो। अरे वाह यार पवन जी सांस के साथ अंदर खींचना पड़ रहा है मतलब। तो दोस्तों फिलहाल मैं रुक गया था चाय पीवाने, काफी दूर आगा आगरा से मतलब लगभग कत्ता किलोमीटर आगा और लाभ भरतपुरा मतलब भरतपुर देख लियो कितनी दूर से भरतपुर से थोड़ी सी आगे आया जा मैं। तो फिलहाल चाय पियोना और भाई मैं तो देखो गाड़ी में बैठे बैठे एडिटिंग करी जो व्लॉग की। तो फिलहाल उतरा जा चाय पानी पियो जा फिर वापिस चला जा। और फिलहाल टाइम हो रही है शाम का 8 बज गया, रात ही होगी शाम गई, भूख थोड़ी ला रही नहीं, भूख का तो सवाल ही नहीं, सवाल ही नहीं है। भोजन करता दोस्तों पवन जी की मतलब बता दी पवन जी देखो रात ने रोटी कौन खाओ बस सुबह सुबह ही खाओ जी एक टाइम देख लियो वो भी 2 से 2:30 बजे के बीच में, वो भी 2 से 2:30 बजे के बीच में सुबह भी नहीं मतलब एक टाइम खा लेते दोपहर के मायने दिन में बस भाई जे। तो चाय तो पियो लाख आओ तो फिर। तो दोस्तों चाय पानी तो पी लिया तो अब चला जा भाई सीधा आई बजे। अब कत्ता किलोमीटर और पीछे जे हमारे साथ दो पूनी 200 तो हाँ पूनी दो मतलब 150 अरे ज्यादा जी 150 160-170 तो लोग तो कोई दिक्कत को नहीं। और 800 में चिप्स वगैरह ले लिया भरतपुर के करीब है हम ये यानी तो डिग्गी पर लियो दी चिप्स तो मने लाग रहे है यानी कहीं जे की गाड़ी का मान तो डीजल बीतो को ने गाड़ी की सवारिया को बार बार का मान डीजल बीते जरा का मान मैंने गलवानो ही पड़ा कोई अमरूद खा रहे है गाड़ी तो एक ही बार गल होई जो ग्रंचो है जड़ा हां देखो तो भाई लोगो मां की पूरी टीम मथुरा आगरा ताजमहल घूम और पवन जी का ग्राम प्रवेश कर गई जे पवन जी पवन जी का आज पार्टी जे ठंडो वंडो मंगवा लिया चिल कर बात आनी कौन मंगवा से का जतन ध्यान छे भाई एक तो देखो कुकड़ी और बैठी जे देखो सी लाग रहे जे तो पेप्सी पिया बाद में थोड़ी सी गर्मी आ रही भाई देखो चेयर ने चेयर काट जे और तो सर्दी ने देखो आई काट रही उसी में भाग जे मारे तो सर्दी डेली को काम जा अपने तो रात ने एपी भागो। हाँ तो दोस्तों यार फाइनली आपा 3 दिन सु आपने घरा वापिस पहुंच गया जा बिल्कुल सुख शांति सु या मान लियो मजो आगो 3 दिन में खूब इंजॉय करया काफी जगह घूमया आधी जगह को वो लोग शूट करया आधी जगह को वो लोग शूट करया भी कोने लेकिन काफी ज्यादा मजो आगो। और अभी टाइम होगा मेरे हिसाब से 2 बज गई तो 2 बजे पहुंच गया घरा रोटी पानी में खाया आया सुख शांति सु और अब आई जे नींद तो कागा शांति राधे राधे भाई साहब कृष्ण नगरी में जा और मैं भी बिल्कुल राधे राधे बन गो कृष्ण भगवान ने का साक्षात दर्शन करे है समझ लियो महसूस करे भाई वास्तव में आपा कृष्ण भगवान से मिलाया और दिख रहे हो हमारी पोशाक राधे 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 बन रहा है जी मैं बैठे जी राधे राधे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और हंसो बड़े गोकुल में रूल से एक चीज तान और बता दूं गोकुल में जो भी कोई भाई जाए जे ने तो बठे केवल भी ना ऊपर हाथ उठा रसनु पड़े जे बताऊं क्या बस पशु कृष्ण भगवान राजी हो चे बठे का लोग की मान्यता जे तो भी गांव में कोई भी जाए जे तो भी ना हसनु पड़े जे बड़े सोला तो घराने खुशी रे ली घराने मतलब हसमु कर रोला बिकी मान्यता आज है कि बटे सोला का करते तो ताकि घराने सुख शांति रे ली हंसी खुशी को माहौल रे लो कदे कोई दुख तकलीफ को ना आवे बिकार ने बटे सुनू पड़े जे तो चलो आज का आप ही व्लॉग ने करा जा अड़ी एंड मन उम्मीद तन व्लॉग पसंद आयो लो तो पसंद आयो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ठीक छे मिला जा अगला व्लॉग में तब तक लिए Bye-bye. Bye-bye.